नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे आज के प्रमुख अपडेट के बारे में। एक एक करके देखेंगे सारे आज के प्रमुख अपडेट। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे UPSC का जो परीक्षा कैलेंडर है 2023-24 का, उसको लेकर यहाँ पर हम बात करेंगे। एक तरीके से पूरा ये मजाक वाला कैलेंडर यहाँ पर इन्होंने जारी किया है। तो UPSC ने 2023 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है और 6 भर्तियों की 8 परीक्षा इस साल कराएगा आयोग, यानी कि पूरी तरीके से मजाक बना के रख दिया है। जिन भर्तियों का वेट लोग कर रहे हैं, जिनके इंतजार है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है, बस आधा अधूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। तो आर ओ ER हो गया, LT ग्रेड, इन सब भर्तियों का जिनका बहुत ज़्यादा लोगों को इंतजार है, उनका कुछ यहाँ पर अपडेट ही नहीं दिया गया है और पूरे कैलेंडर में कहीं पर इसका जिक्र ही नहीं है। तो प्रतियोगी छात्रों ने परीक्षा कैलेंडर पर आपत्ति जताई है और प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि कैलेंडर में सहायक समीक्षा अधिकारी APS और LT ग्रेड जो भर्तियां हैं, इनका कुछ जिक्र ही नहीं किया गया है। प्रतियोगियों को इन तीनों बड़ी भर्तियों के इंतजार है, उन्हें भरोसा था कि कैलेंडर में जिक्र अवश्य होगा और प्रतियोगी छात्रों को अपने स्रोतों से पता चला है कि आयोग को RO ER के 500, APS के 300 और LT ग्रेड के 6000 रिक्त पदों का अध्याचन यहाँ पर आयोग को जा चुका है। इसके बाद भी इन भर्तियों को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, यानी कि ये एक तरीके से बहुत ही निराशाजनक वाली बात है और बहुत एक लापरवाही वाला यहाँ पर बात दिखता है कि मतलब आयोग ने जिन भर्तियों का काफ़ी ज़्यादा वेट था, उनके बारे में कुछ जिक्र ही नहीं किया है, बस आधा अधूरा कैलेंडर खाना पूर्ति के लिए बस जारी कर दिया है। आयोग की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। तो परीक्षा आपका जो कैलेंडर है, इसका उल्लेख बिना परीक्षा तिथि आरक्षित करने से जो छात्र है वो नाराज हैं कि पेपर का पता नहीं कि कौन सा पेपर कराओगे, बस डेट आपने उसकी आरक्षित कर रखी है, उसका क्या मतलब है। युवा मंच से जुड़े छात्रों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। छात्रों ने कहा कि जारी कैलेंडर में कुछ भी परीक्षा को लेकर नहीं है, इसके अलावा अन्य जो तिथियाँ आरक्षित हैं उनमें कौन सी परीक्षा होगी यह भी स्पष्ट नहीं है। और युवा मंच के संयोजक राजेश सचान व अध्यक्ष अनिल सिंह ने आरोप लगाया कि लोक सेवा आयोग प्रस्तावित व लंबित भर्तियों को आयोजित कराने के लिए गंभीर नहीं है और इस मुद्दे पर सोमवार को शालोरी में छात्रों ने संवाद किया। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि आयोग का जो ये रवैया है ये बिल्कुल ही बेकार है। आगे यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर हर पेपर में मतलब कई सारे पेपरों में इसको कवर किया गया है और अच्छे तरीके से यहाँ पर इस पर बात की जा रही है, ठीक है। तो UPSC ने जारी किया पूरा एक कैलेंडर और कहीं पर जो मुख्य भर्तियाँ हैं उनका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर छात्र इस पर बनाएंगे दबाव आयोग पर, तो आयोग फिर इस पर क्या बताता है या क्या दोबारा जारी करेगा कैलेंडर, इसके बारे में पता चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 6 माह कोई परीक्षा नहीं, यानी कि आयोग के कैलेंडर में अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर में कोई परीक्षा प्रस्तावित नहीं है और कैलेंडर में पूरे साल कुल 25 दिन आरक्षित हैं और इस दौरान अगर कोई नई भर्ती आती है तो आरक्षित दिनों में संबंधित भर्ती परीक्षा यहाँ पर आयोजित कराई जाएगी। तो महत्वपूर्ण भर्तियों को यहाँ पर कोई भी जगह नहीं दिया गया है और हर पेपर ने इसको मुख्यता से कवर किया है, ठीक है। ये एक काफ़ी निराश करने वाली बात है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे UPSSC आयोग को लेकर। UPSSC आयोग ने 535 कनिष्ठ सहायकों को यहाँ पर विभाग आवंटित कर दिया है। तो UPSSC ने यहाँ पर 535 कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिकों को 16 विभागों में आवंटन यहाँ पर कर दिया है। UR के 291, अनुसूचित जाति के 101, जनजाति के 10, OBC के 133, इन सभी को यहाँ पर विभाग वगैरह दे दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पर ये खुशखबरी है। इसके अलावा CAPF सिपाही भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पर 10 से और यहाँ पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे अन्य अपडेट के बारे में। एक और यहाँ पर आपका ये बड़ा अपडेट है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के रिक्त पदों पर भर्ती का शासन आदेश जल्द यहाँ पर जारी होगा। तो 52,000 ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा नौकरी का तोहफा। 2 लाख के करीब पद प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के स्वीकृत, 52,000 के करीब पद इनमें से रिटायर या अन्य वजहों से खाली। तो यहाँ पर क्या है कि पुष्टाहार में सुपरवाइजरों को मिलेगा ACP का लाभ। तो यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नए साल पर नौकरी का तोहफा देने की तैयारी में है। राज्य के बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश यहाँ पर जल्द ही जारी होने का आशार है और इस पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। जहाँ पद रिक्त हैं
उसी ग्राम सभा का मूल निवासी होना चाहिए। आय जाति निवास का प्रमाण पत्र सहित ऑनलाइन आवेदन करना होगा और वर्ष 2012 के बाद से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर भर्ती नहीं हुई है और पहले इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल हुआ करती थी, मगर पिछले साल संशोधन कर शैक्षिक योग्यता इंटर यहाँ पर कर दिया गया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के कुल 189,897 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 52,000 पद देहात, 60 साल की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्ति होने, नौकरी छोड़ देने से रिक्त चल रहे हैं और तमाम जिलों में एक एक कार्यकर्त्री पर कई कई केंद्रों का जिम्मेदारी है। तो अगर यहाँ पर इनको जॉब मिलता है, नौकरी मिलता है, तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि जो ग्रामीण महिलाएँ हैं उनको यहाँ पर कुछ इनकम का स्रोत मिल जाएगा, एक कमाने का जरिया उनके पास हो जाएगा, जिससे कि उनका भी जीवन और अच्छा चल पाएगा। तो यहाँ पर ये सारे थे आज के प्रमुख अपडेट। बाकी इसके अलावा एलटी ग्रेड, बीईओ, आरओ, एपीएस, इन भर्तियों का अब क्या होगा? तो ये भर्तियाँ आपकी आएंगी, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इन भर्तियों का आना ये बिल्कुल तय है। जो कैलेंडर में जगह खाली छोड़ा गया है वहाँ पर ये भर्ती आपको देखने को जरूर मिलने वाली है। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और तैयारी अच्छे से करिए, जल्द ही आपको इस पर कोई ना कोई अपडेट मिलेगा, क्योंकि सारे बच्चे जो है मिलकर आयोग पर दबाव भी बना रहे हैं कि आपने इन भर्तियों का जिक्र कैलेंडर में किया क्यों नहीं। अगर आपने इन भर्तियों का कैलेंडर में जिक्र नहीं किया है तो कैलेंडर जारी करने का कोई मतलब ही नहीं है, आपने बस फर्जी में ही कैलेंडर को जारी कर दिया है वाहवाही के लिए, उसमें कोई भी आपने ठीक से काम ही नहीं किया, बिना काम किए कैलेंडर को जारी कर दिया है। तो मिलते हैं अभी हम लोग अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।